वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आते हैं खबरों पे। इंडियन डायस्पोरा जो एनआरआईज हैं, जो खासतौर से लंदन में हैं और यूके के और मुख्तलिफ शहरों में हैं, ये इकट्ठा हुए और इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा है। इस प्रोटेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ और कहां हुआ है। इंडियन हाई कमीशन के सामने ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करा है, और तिरंगे के साथ इन लोगों ने बोला है कि तिरंगे के साथ एक गलत काम हुआ है, नहीं होना चाहिए था। तो ये इंडियंस हैं जो कि यूके में इकट्ठा हुए हैं, एंड रजिस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट पुलिंग डाउन ऑफ द ट्राइकलर फ्लाइंग अटॉप द इंडियन हाई कमीशन इन लंदन, द इंडियन डायस्पोरा गैदर्ड आउटसाइड द ऑफिस डिमांडिंग स्ट्रिक्ट एक्शन इन द इंसिडेंट। अच्छा, मैंने पहले भी आपको नाम बताया था कि लंदन का जो मेयर है, जिसके साथ पुलिस बड़ी क्लोजली काम करती है, उसका नाम है सादिक खान और वो पाकिस्तानी है। ठीक है, मैं सादिक खान से मिल चुका हूं, एक डिनर ऑर्गेनाइज हुआ था जहां पे सादिक खान आया था। उस समय वो वहां का मेयर नहीं था, लेकिन मैं 2017 में मैं 25 अक्टूबर की रात को डिनर पे सादिक खान से मिला हूं लंदन में, 25th of October 2017, एक होटल में एक इनवाइटेड थे हम सब लोग फॉर डिनर। वहां पे सादिक खान, ही वाज द चीफ गेस्ट, ही मेट मी, आई स्पोक टू हिम। देखिए, सादिक खान साहब जो बोलें, जो भी बोलें कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, व्हाई डजंट द मेयर ऑफ लंदन से कि ये इंडियन हाई कमीशन है और ये हमारी जिम्मेदारी है, दिस इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी, वो लंदन में हो, वो अमेरिका में हो, राइट, वो कहीं पर भी हो दुनिया में, जो एम्बेसी होता है, हाई कमीशन होता है, कॉन्सुलेट होता है, वो उस मुल्क की जमीन होती है जिसका कॉन्सुलेट है। नई दिल्ली में जो यूएस का जो एम्बेसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वो एक्चुअली वो एम्बेसी की जमीन अमेरिका की जमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। जो पाकिस्तान का यहां पे हाई कमीशन है, हाई कमीशन के अंदर की जमीन वो पाकिस्तान की सरजमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। उसी तरीके से भारत का हाई कमीशन इस्लामाबाद में, वो भारत की जमीन है, वो पाकिस्तान की जमीन नहीं है। इसी प्रकार से जो भारत की जमीन, जो हाई कमीशन है यूके में, लंदन में जो हमारा हाई कमीशन है, ब्रिटिश हाई कमीशन है, वहां की जमीन भारत की है, घुस कैसे गए इसके अंदर, ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे डायस्पोरा वाले। तो जितने भी वहां पे एनआरआईज हैं, आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हो, आप लोग आए, आपने समर्थन दिखाया, आपको एक बहुत बड़ा सल्यूट, वेल डन सर, वेल डन मैम, बहुत बढ़िया काम करा आप लोगों ने, शानदार सल्यूट। भारत में फिलहाल ये हुआ है कि सिख भाई बहन इकट्ठा हुए और उन्होंने बहुत जोर से एक एहतजाज कराया है, एक प्रोटेस्ट करा है, और इन्होंने जो प्रोटेस्ट करा है, दे हैव यू नो यूके के हाई कमीशन के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट करा है, जो ब्रिटिश हाई कमीशन है इधर लंदन में, इसके सामने सिख भाई बहन पहुंच गए और इन्होंने खूब ताबड़तोड़ प्रोटेस्ट कराया, बोला है कि गलत हुआ है और माफी मांगे, क्योंकि यूके वुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी और कुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडियन हाई कमीशन इन यूके। तो हमारे यहां पर भारत में एक तो वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, इंडियन हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट का वो समर्थन चल रहा है और यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं हमारे जो सिख भाई बहन है, मैं उनको एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात समझें तो, और क्यों सिख, मैं कह रहा हूं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी धर्म का हो, जो भी जाति का हो, उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों, ये फोटो देखिए, फोटो पता है किसकी है, इस बंदे का नाम है सलमान शरीफ, और सलमान शरीफ चार्ज डी अफेयर्स है पाकिस्तान हाई कमीशन का, यहां पर नई दिल्ली में, ही इज द टॉप गाय इन द पाकिस्तान हाई कमीशन। हम लोग यूके के हाई कमीशन के सामने तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बीज किसने बोया है, इस फसाद का जड़ कौन है, जड़ इसका फसाद का पाकिस्तान है। वी शुड प्रोटेस्ट आउटसाइड द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन न्यू दिल्ली, वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन यूके, वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया एंड द एम्बेसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हर जगह, क्योंकि फसाद की जड़, मैं आपको बताता हूं, कई बार मैं कह चुका हूं, ये मेरा पुराना डायलॉग हो चुका है, घिसा पिटा दोस्तों, कि जादूगर की जान तोते में है, अगर जादूगर की जान तोते में है तो उस तोते की गर्दन अगर मरोड़ोगे तो जादूगर बिल्कुल तय बोल जाएगा। ठीक है, खालिस्तानियों का तो कोई ईमान धर्म है नहीं, खालिस्तानियों को कोई ईमान धर्म है नहीं,
मैंने कई बार ये पॉइंट आउट कर चुका हूं, इनका झंडा देखिए जिसमें खालिस्तान है, इनमें हिम्मत है कि खालिस्तान वर्ड गुरुमुखी में लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं, लिख दो हिंदी उर्दू में, लिख दो गुरुमुखी में, कभी नहीं लिखेंगे, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है खालिस्तान, क्योंकि चाहता गोरा पढ़े। ये सारा पैसे का मामला है, बिके हुए हैं ये दो दो टके में बिकते हैं ये खालिस्तानी, ये मार्केटिंग कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट की, लिखते ही खालिस्तान अंग्रेजी में है। भाई तुम्हारी हिम्मत है तो लिखो किसी और जबान में, जो तुम्हारी मादरी जबान है, तुम्हारी जो मां बोली है या जिसको भाषा कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, लिखो ना गुरुमुखी में। पंजाब में तो हर चीज गुरुमुखी में है, तुम लिखो गुरुमुखी में, तुम्हारी हिम्मत है, कभी नहीं लिखेंगे खालिस्तानी, चोर है मन में, चोटे हैं सब। जो दोस्तों सिख लीडर्स हैं अमेरिका में, जो सीनियर्स हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो लीडर्स हैं सिख कम्युनिटी के, उन्होंने अमेरिका में बहुत कंडेम करा है, बोला है कि जो खालिस्तानी है बहुत गलत काम कर रहे हैं, और हमारी मातृभूमि का जो कॉन्सुलेट है सैन फ्रांसिस्को में, उसमें घुस कैसे गए, इनकी औकात कैसे घुस गए। तो आप ये मत सोचिएगा दुनिया भर में जो सिख है उस चीज को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन खालिस्तानियों ने रोटी और बोटी पाकिस्तान की चख रखी है। अच्छा। खालिस्तानियों का बाप तो रावलपिंडी में बैठा हुआ है जो कंट्रोल कर रहा है खालिस्तानियों को, ठीक है, एंड दे आर मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी ऑफ सिख्स, और मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिख्स कंडेम खालिस्तान, और ये आपके सामने है, दिल्ली हो, लंदन हो, या फिर आप देख लीजिए अमेरिका हो, हर जगह राइट थिंकिंग सिख्स आर कमिंग आउट एंड सेइंग यार इनफ इज इनफ, तुम लोग क्या तुम लोगों ने ड्रामा कर रखा है यहां पे, तुम हमारा नाम खराब कर रहे हो, हमारे देश का नाम खराब कर रहे हो, हमारे एम्बेसीज, हमारे हाई कमीशन खराब कर रहे हो, वो लोग लिख रहे हैं पुलिस को कि इनको जेल में डालो, अमेरिका के जो सिख हैं वो चिट्ठियां लिख रहे हैं पुलिस को, कह रहे हैं जेल में डालो इन सबको, इनको बाहर क्यों घूमने दिया हुआ है, जानवरों को तो वैसे भी जू में होना चाहिए, सॉरी फॉर इंसल्टिंग द एनिमल्स, बट जानवरों को जू में होना चाहिए, तो खालिस्तानियों को जेल में डालो। ये सिख के जो बड़े हैं, जो सीनियर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं अंदर करो इनको, सबके सबको अंदर करो, इनको बाहर सड़क पर टहलने की इजाजत किसने दी, एनीवे खालिस्तानी शुड बी गेटिंग अ लाइसेंस फॉर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स, जब तक खालिस्तानी के पास लाइसेंस ना हो, ही शुडंट बी अलाउड टू वॉक ऑन द स्ट्रीट, इज अ पब्लिक मेनेस। ऑस्ट्रेलिया टुडे एक अखबार है जिसके एडिटर इन चीफ हैं, एडिटर इन चीफ है जितार्थ जय भारद्वाज, उन्होंने ये बोला, आई वुड नॉट कॉल इट अ सिख रेफरेंडम, जो रेफरेंडम खालिस्तान का कर रहे हैं ना ये लोग, ही सेज इट्स नॉट अ सिख रेफरेंडम, इट्स अ खालिस्तान रेफरेंडम जो फेल हो गया है, जो खालिस्तान का रेफरेंडम है ये फेल हो गया है। अच्छा मैं सिर्फ एक बात बताता हूं, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आया, बार बार एक ही बात पूछ रहा हूं, और यार तुमने खालिस्तान कहां बनाना है, तुमने ऑस्ट्रेलिया में बनाना है, तुमने यूके में बनाना है, तुमने बनाना कहां है, तुमने तो इंडियन पंजाब में बनाना है, यहां पे आके करो। एक तुमने भेजा उडल अमृतपाल सिंह, वो चप्पल छोड़ के भागा यार, ये तो तुम्हारा लीडर है खालिस्तान, ये तुम्हारे लीडर की औकात है, पुलिस आई भग गया, ये भग गया। हमने बचपन में क्या सीखा था सिखों के बारे में, सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबौ न छाड़े खेत, यानी कि सूरमा उसी को पहचानी है, उसी को जानी है जो लड़े दीन के हेत, जो दीन के लिए लड़ता है, पुरजा पुरजा कट मरे उसके बॉडी का अंग अंग कट जाए, वो खेत यानी कि रणक्षेत्र कभी ना छोड़े, वो है सिख। सिख तो सवा लाख के बराबर बोलते हैं, चूहा है, इसने पुलिस देखी, इसको क्या करना चाहिए था, जैसी पुलिस आती ये पुलिस से कहता ठीक है ये लो डालो अटकड़ी, चलता हूं तुम्हारे साथ, देखते हैं तुम मेरे साथ क्या करते हो, मैं सच में हूं तुम झूठ में हो, ये कहना चाहिए था अमृतपाल को। अमृतपाल ने ये अपनी पग वग चेंज करी, शेव वूव करके पता नहीं इसने क्या करा, बाइक पे बैठ के भग गया, ये इसके वीडियोस आ रहे हैं, बाइक पे बैठ के भग गया, गाड़ी से निकला, पहले मारुति मर्सिडीज से मारुति से मोटरसाइकिल, MMM मर्सिडीज मारुति मोटरसाइकिल, भाई निकल लिया डर के मारे, पता नहीं कहां किस बिल में छुपा हुआ है। अच्छा अफवाहें बड़ी चल रही हैं, इसको मार तो नहीं दिया पुलिस ने, और पुलिस चुप करके बैठी है कि यार पंजाब में कोई दंगा फसाद हो जाएगा इसलिए चुप रहो, कहीं तो ठोक दिया हो, ये भी हो सकता है पर मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। दूसरी चीज ये है कि इसको अरेस्ट कर लिया और कहीं और ले गए फ्लाइट में पकड़ के, जैसे इसके मामे चाचे को ले गए थे ना आसाम में, डिब्रूगढ़ में ले गए थे, इसको भी ले गए, लेकिन इसके बारे में भी कोई नहीं बता रहा। ओ भगवंत मान जी कुछ तो बोलो भगवंत मान जी, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, व्हाई डोंट यू से समथिंग, मेक अ कमेंट, मेक अ स्टेटमेंट, ये हो रहा है, पूरा देश ये जानना चाहता है कि क्या हो रहा है अमृतपाल। अच्छा एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली बार मैं बता रहा हूं, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, मैं फौज से हूं यार, मैंने सिखों को देखा है लड़ते हुए, ठीक है, मैंने सिखों को देखा है मरते हुए, देश के लिए जान देते हुए,
ये पहला बंदा है जो अपने आप को सिख कह रहा है और ये भाग गया वहां से. ये मैंने आई हैव नॉट सीन दिस फेनोमेना. आई डोंट वांट टू पेंट एन एंटायर कम्युनिटी विद द सेम ब्रश. हर जगह अच्छे लोग होते हैं, हर जगह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में अच्छे भी लोग होते हैं बुरे भी लोग होते हैं. लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैंने कभी किसी सरदार को भागते भी नहीं. ये पहला है यार बंदा है. इसमें कुछ है जेनेटिक डिफेक्ट इसमें. ये सरदार नहीं है ये. ठीक है हम लोग मजाक करते थे ना. हमारे सरदार दोस्त है तो दिल्ली में मैं एक ऐसी वी यूज्ड टू जोक अबाउट सिक्स इन दिल्ली अर्लियर व्हेन वी वर इन कॉलेज कि सरदार ना छोटे काम नहीं करता. ये छोटे जो पेटी क्राइम्स होते हैं ना लड़की को छेड़ दिया चेन छीन ली बटुआ किसी का छीन लिया सरदार ये काम नहीं करता. सरदार करता सीधा कांड करता फिर वो अखबार में छपेगा क्या सरदार जी ने लंबाई काम कर दी. ये छोटे हरकतें नहीं करते. ये सरदार है ही नहीं अमृतपाल सिंह. ये ही इज नॉट अ सिख बिकॉज आई हैव नॉट. मैं बता रहा हूं आपको आपने कभी किसी सरदार को देखा भीख मांगते हुए. आपने कभी नहीं देखा होगा. आपने कभी नहीं देखा होगा. यू वुड हैव नेवर सीन अ सिख हु इज बेगिंग. सिमिलरली बींग फ्रॉम द आर्मी आई कैन टेल यू आई हैव नेवर सीन अ सिख हु इज अ कावर्ड. इधर सिविलियन और वर्दी वाले का तो खैर वो सिख हो नॉन सिख हो उसका सवाल नहीं उठता क्योंकि वो इंडियन आर्मी में है तो वहां पर तो सभी शेर के बच्चे हैं. लेकिन आई हैव नेवर सीन इट यार. आई हैव नेवर सीन अ सिख रनिंग अवे. ग्रेटर कैलाश में एक बार लड़ाई हुई थी मैं देख रहा था वहां पे दो गाड़ियों का एक्सीडेंट. एक अकेला सरदार था पांच सात लोग आ गए थे इकट्ठा. सरदार हिला नहीं वहां से. और इतना सा था वो डेढ़ पसली का सरदार वो तब नहीं हिला वहां से. तो आई हैव नेवर सीन देम रनिंग अवे. ये कुछ है इसके साथ जेनेटिक डिफेक्ट है अमृतपाल के साथ. देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस गाय. ये खबर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की. द एनआईए ऑन ट्यूजडे फाइल्ड इट्स फर्स्ट चार्ज शीट अगेंस्ट 12 पीपल फाउंड टू हैव लिंक्स विद प्रो खालिस्तान आउटफिट्स एंड पाकिस्तान बेस्ड कॉन्स्पिरेटर्स इन वन ऑफ द थ्री टेरर गैंगस्टर नेक्सस केसेस बीइंग प्रोब्ड बाय द एजेंसी. अच्छा 100 मेंबर्स के ऊपर चार्ज शीट फाइल करी है अलग से. द चार्ज शीट अगेंस्ट देम फॉलोड 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंसिव सर्चेस एंड एग्जामिनेशन ऑफ अराउंड 100 मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सपोर्ट नेटवर्क्स बाय द एनआईए 91 लोकेशंस इन पंजाब हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली अक्रॉस 25 डिस्ट्रिक्ट्स लीडिंग टू द सीजर ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल. देखिए अब इसमें हो गया एनआईए इन्वॉल्व. इसमें हो गया एनआईए इन्वॉल्व. अब ये कहीं नहीं भाग सकते. इनका मामला खत्म है. ठीक है आपको पता है ना कश्मीर में क्या करा था. 370-35 से हटाने के बाद एनआईए आई थी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गायब हो गया. वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो 30-40 साल से जिसका डंका बोलता था हुर्रियत बोलता था कि बंद करो कश्मीर तो कश्मीर दो घंटे के अंदर पूरा कश्मीर बंद हो जाता था. हड़ताल के कैलेंडर छपते थे गिलानी के घर से. हड़ताल के कैलेंडर गिलानी बोलता था हफ्ते के इस दिन सोम मंगल बुध बंद तो सोम मंगल बुध बंद. यह था एक बार टेरर. जब से एनआईए आई पता ही नहीं कहां गया यार ये हुर्रियत. अब कश्मीरियों से पूछे हुर्रियत क्या कौन सा हुर्रियत कैसा हुर्रियत. ये कैसी बच्चों वाली बात करते हो. मैं सुना ही नहीं इसका नाम. वो ऐसा गायब कर दिया एनआईए ने. अब है नहीं हुर्रियत वहां पर गायब हो गई हुर्रियत. उसी प्रकार से अब एनआईए पड़ गई इन लोगों के पीछे. ठीक है और अमृतपाल सिंह के खिलाफ हो गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत चार्जशीट. अब ये अमृतपाल सिंह तो गयो. ही इज गॉन. ये कुछ नहीं कर सकता. बाहर वहां पर जाके आप ये एहतजाज करो और पाकिस्तान को बताओ वैसा जवाब दो के जादूगर की जान दो. कोई टाइम देने के नहीं पाकिस्तान में वैसे ही लाले पड़े हुए हमेशा कर रहे तो इधर बाइक है. और भी एक उन्होंने बताया ना कि वहाँ पर जो सिख हैं कम्युनिटी सिख कम्युनिटी जो बाहर रहते हैं उन्होंने भी मतलब हड़तालें की है कि यार इनको पकड़ो ये खालिस्तानियों को इनको क्यों छोड़ा हुआ है अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया ने जिन्होंने भी तो इन सबको पकड़ के रख लो. हम खालिस्तान नहीं चाहते जो असल सिख है रियल. ये तो अमृतपाल है ना डुप्लीकेट के जो इसका देश है ना वही सिख भाई इन्होंने बोल दिया है तो खालिस्तान हमें नहीं चाहिए. गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. तो थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.